अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहता। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं हिमाचल प्रदेश में, जो स्थिति है उसको जानने के लिए यहाँ स्थित आए हैं और उनके समक्ष जो भी पार्टी के संबंध में विषय हैं सब, क्योंकि सभी पीसीसी प्रेसिडेंट से, सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से वो राय जानना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से राय जानना चाह रहे हैं, तो उस विषय में वो अपनी बात सब रख रहे हैं। राज का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने विषय में हमारे ऑब्जर्वर यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डेप्यूटी ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं, उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, तो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो संकट टल गया है? संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं यार, अपना संकट तो है जो भी वो क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो जरिया है वो सरकार है। सरकार को बहुमत नहीं है, सरकार को मजबूत करना और उसके जरिए से प्रदेश की जनता का सेवा करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम आगे मजबूती के साथ बढ़ने का हर संभव प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो संकट टल गया है? संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं यार, अपना संकट तो है जो भी वो क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो जरिया है वो सरकार है।